हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बनरगट्टा नेशनल पार्क को, जो कि बैंगलोर में स्थित है। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम हमारे लोकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पे ये आप पार्किंग ले सकते हैं। पार्किंग जो है 30 रुपीज़ थी, जो कि नॉर्मल थी। आप अपने व्हीकल्स को आराम से वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंट्री फ़ी की बात की जाए तो वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। लेकिन अगर आपको सफारी, बग्गी या फिर बटरफ्लाई पार्क वगैरह देखना है, तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम 100 रुपीज़ दे करके एंटर कर गए। एंटर करने के बाद दोस्तों, अगर आपको बग्गी लेना है, तो आप बग्गी के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। वो आपको 35 मिनट्स तक टूर देंगे, जहाँ पे बीच बीच में जो भी अच्छे अट्रैक्टिव पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुकते हैं। वहाँ आप रुक करके वो व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल 35 मिनट्स का टूर होगा। और हमने यहाँ पर सफारी नहीं लिया था, क्योंकि हमने सोचा सफारी पहले हम घूमते हैं, घूमने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो हमने अल्टीमेटली सफारी नहीं लिया। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको बाकी वीडियोस दिखाते हैं, क्या क्या हमने एनिमल्स देखे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमने यहाँ पे बोटिंग के लिए एरिया को देखा। यहाँ पे एक सेपरेट एरिया बना हुआ है, तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे बोटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। और जब हमारा वो 35 मिनट्स का बग्गी टूर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा बोटिंग एरिया में आ सकते हैं और वहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सफारी की दोस्तों, तो वहाँ पर आपको 300 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। AC नॉन AC के चार्जेस डिफर करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं, तो मोस्टली मैं आपको एक बार रेफ़र कर सकती हूँ कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप बच्चों के साथ एक बार इन्जॉय कर सकते हो। बट ऐसे मुझे वो थोड़ा सा मतलब उतना वर्दी नहीं लगा, क्योंकि आपको एनिमल्स ही देखना है वहाँ पे। बस यही है सफारी में कि आप खुद केज के अंदर हो और एनिमल्स वहाँ पर आपको बाहर दिखेंगे। तो ये ठीक है, अगर वहाँ पर एनिमल्स अवेलेबल होंगे तो आप देख पाओगे, अगर वो नहीं होंगे तो आप नहीं देख पाओगे। सीधी सी बात है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे भी ज़ू में आप देख सकते हो। तो इनकेस अगर आपको जाना है, एक बार अगर आप आए हो यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो ठीक है, एक बार आप सफारी को देख सकते हो। और तो और दोस्तों, हमने लोकेशन की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होगी, तो आप हमारी वीडियो में, हमारे क्वेरी सेक्शन में आप उसको पोस्ट कर सकते हो। हम आपके सारे इश्यूज़ को, सारे डाउट्स को क्लियर ज़रूर करेंगे। और तो और दोस्तों, हम ना हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियोस, हमेशा जो भी वीकेंड डेस्टिनेशंस है बैंगलोर में, उसको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो अगर आपको भी घूमना पसंद है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ घूमने को जाए, तो आप हमारी वीडियो से जुड़ जाओ, हमारे चैनल से जुड़ जाओ, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ बोटिंग एरिया में पहुँच गए हैं। हम भी बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी वीडियोस को देखिए और एंजॉय करिए। तो जैसा कि हमने बोटिंग कंप्लीट किया, बोटिंग हमको 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। ये आप आराम से हाफ एन आवर तक जा सकते हो। हमने एंजॉय किया काफ़ी। तो ये एक अच्छा अट्रैक्शन है, मतलब अगर आप यहाँ ज़ू में आए हो तो बोटिंग तो करना ही चाहिए। हमको तो वो सबसे अच्छा लगा। उसके बाद अब इतना घूमे हैं तो खाना तो पड़ेगा ना, भूख तो लगेगा ही सबको। तो उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है स्नैकिंग ऑप्शंस। तो हमने ये हिल व्यू रेस्टोरेंट को ट्राई किया। यहाँ हम ऐसे इवनिंग के टाइम पे गए थे। अगर आप आफ्टरनून के टाइम पे आओगे, तो यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड मिलेगा। बट हमारा टाइम थोड़ा ऑड था, तो हम जब आए उस टाइम पर कम भीड़ थी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर भेलपूरी एज ए स्नैकिंग ऑप्शन और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। वो आपको इन टोटल 110 रुपीज़ पड़ा। तो ठीक था, आप आराम से यहाँ पे आए हो, आपको कुछ भूख लगी है, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एज ए स्नैकिंग ऑप्शन रख सकते हो। तो अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। आप बाहर में भी देख सकते हो, जब आप एग्ज़िट करोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस, शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ प्लेसेस मिलेंगे।
आपको कुछ अगर ख़रीदारी करनी है तो आप वो भी आराम से कर सकते हो, बट हमको वैसा कुछ लेना नहीं था तो हम रिटर्न हो गए। तो ये था दोस्तों आज के लिए वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। थैंक यू।